इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने पोको C31 मोबाइल फोन में एक सेटिंग देखने को मिल रहा है टच एंड होल्ड डिले का, तो ये सेटिंग को कैसे यूज किया जाता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये सेटिंग आपको मिलेगा कहाँ पर। जब आप अपने पोको C31 मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाकर यहाँ पर आप सबसे नीचे आएंगे तो देखिए नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडिशनल सेटिंग का, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी का, इस पर क्लिक करेंगे। और इसमें देखिए आप जब साइड आएंगे तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा फिजिकल का, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको यहाँ टच एंड होल्ड डिले का ऑप्शन आ जाएगा। अब देखिए ये सेटिंग क्या होता है, तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो तीन ऑप्शन मिलेंगे शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग का। तो अगर आप शॉर्ट को सिलेक्ट करके रखते हैं तो आप जैसे ही किसी भी सेटिंग पर टच करेंगे तो आपका टच जो है बहुत तेज़ी से हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ क्लिक करेंगे कि आपका टच वहाँ पर वर्क हो जाएगा। अगर मीडियम को सेलेक्ट कर देंगे तब आप किसी भी सेटिंग पर टच करेंगे तो वहाँ पर आपका टच जो है थोड़ा लेट से होगा। और अगर आप यहाँ लॉन्ग को सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आपका टच जो है थोड़े और देरी से काम करेगा। तो आप जो भी रखना चाहते हैं उसको आप रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे शॉर्ट ही रखता हूँ ताकि मैं जितना जल्दी मेरा टच जो है काम कर जाए। तो इस तरीके से आप जो है पोको C31 मोबाइल फोन में इस सेटिंग को आप यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।